दोस्तों, अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई भी बंदा मैसेज करता है और मैसेज करने के बाद तुरंत दोस्तों अगर कोई करता है डिलीट फॉर एवरीवन, तो दोस्तों आपको क्या लगेगा कि सामने वाले ने अगर मैसेज भेज के अथवा डिलीट कर दिया तो उस मैसेज में आपको लगेगा क्या लिखा था क्या, फिर आप पढ़ नहीं सकते। जैसे मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ, ये मैंने कुछ लिख दिया मान लो, और सेंड करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इस तरह से अगर डिलीट कर देता हूँ तो ये मैसेज दोनों टाइप से डिलीट हो जाएगा, मेरे मोबाइल से भी डिलीट हो जाएगा, सामने वाले मोबाइल से भी डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों सामने वाले बंदे को लगेगा कि क्या मैसेज था उसमें, क्या नहीं था, कि वो डिलीट हो गया, अब उसको हम कैसे रीड करें। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी मैसेज मान लो आ रहा है और वो सामने वाला अगर डिलीट भी कर दे, फिर भी दोस्तों आप बिना किसी एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर पढ़ सकते हो, वो भी बड़े आसानी। कोई भी बंदा अगर मैसेज आपको सेंड कर रहा है उसके बाद वो तुरंत डिलीट कर दे, फिर भी आप दोस्तों उस मैसेज को रीड कर सकोगे, वो भी बिना एप्लीकेशन। दोस्तों आज एक कमाल की न्यू सेटिंग बताने वाला हूँ जो दोस्तों आज दिन तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। चाहे सामने वाला कितनी बार भी डिलीट कर दे, फिर भी उस मैसेज को आपको रीड करोगे, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ भी बताने वाला। तो वीडियो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, एंड तक बने रहना। तो आइए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल सिंह, आप देख रहे हो सेल टेक्निकल 70 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक करना। दोस्तों आपने भी देखा इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर फॉलो कर दी। दोस्तों अगर आपको व्हाट्सअप पर कोई भी बंदा अगर मैसेज भेजने के बाद तुरंत अगर वो डिलीट कर दे तो आपको लगेगा कि उस मैसेज में क्या था, तो वो आप पढ़ नहीं सकते। परंतु दोस्तों आज मैं आपको एक न्यू सेटिंग बताऊंगा, बिना एप्लीकेशन आप उस मैसेज को रीड कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना, व्हाट्सएप ओपन करना, 3 डॉट पे आना, और सेटिंग में आने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का। इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको करना क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल के अंदर तमाम नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। कंप्लीट जितने भी नोटिफिकेशन है, इन सभी नोटिफिकेशन को एक एक करके आपको सभी को ऑन करना बहुत जरूरी। अगर ये ऑन नहीं करोगे तो दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। यहाँ रिसीव्ड नोटिफिकेशन होगी, यूज नोटिफिकेशन होगी, जितने भी नोटिफिकेशन इनको आपको करना है इनेबल। इनेबल करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग को ओपन करना। आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल क्यों ना हो, ठीक है। ओपन करने के बाद में दोस्तों नीचे की तरफ आओगे तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का। सभी मोबाइल के अंदर ये नोटिफिकेशन का अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, कोई भी कंपनी का, इस नोटिफिकेशन वाले पर क्लिक करोगे, तो इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, या कई मोबाइलों में यहाँ आपको नोटिफिकेशन ही मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन पर जैसे आप वापस क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर आ जाओगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री। अब यहाँ आपको दोस्तों कुछ नहीं दिख रहा, इसको आपको क्या करना है, इनेबल कर देना इस तरह से, ठीक है। ये इनेबल हो चुका, अब हम चलते हैं बैक, ठीक है। अब हमारा काम हो चुका। अब व्हाट्सएप पर कोई भी बंदा अगर जैसे मैसेज करेगा उसके बाद तुरंत अगर इस तरह से डिलीट कर देगा ये मैसेज, और ये मान लो किसी ने भी इस तरह से डिलीट कर दिया, एवरीवन मतलब डिलीट हो चुका, तो आप उस मैसेज को रीड कर सकते हो। कैसे करोगे, वापस आपको वहीं जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन के अंदर, और नोटिफिकेशन जाने के बाद में वापस नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आओगे तो दोस्तों यहाँ आपके वो मैसेज यहाँ आ चुका है, और वो मैसेज क्या था वो भी यहाँ लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर इस सेटिंग को ऑन रखोगे तो दोस्तों आपके चाहे व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, किसी पर भी कोई भी मैसेज आएगा उसके बाद वो सामने वाला बंदा तुरंत डिलीट भी करेगा तो भी दोस्तों यहाँ वो मैसेज आप देख सकते हो और रीड भी कर सकते हो। इस तरह बिना किसी एप्लीकेशन आप बड़े आसानी से रीड कर सकते हो, डिलीट होने के बाद भी दोस्तों आप पढ़ सकते हो, वो भी बड़े आसानी से। आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और दोस्तों आपको वो घबराने या टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले का क्या मैसेज था और हमने रीड भी नहीं किया उससे पहले उसने डिलीट किया। परंतु आप इस तरह अपने मोबाइल के अंदर पढ़ सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और मेरे को दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।